जैसे कि आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले मीडिया में एक इन्फॉर्मेशन आया था कि पंजाब में जो मूसेवाला का मर्डर हुआ है उसमें महाराष्ट्र के 2-3 लोग हैं, उनका कोई लिंक है। वो लिंक क्या है या कैसा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी, पर उसके आधार पे जब हमने जो 2 नाम आए थे मीडिया में, संतोष यादव और सौरभ महाकाल, उनके बारे में जब जानकारी हमने लेना शुरू की तो पता चला कि संतोष यादव जो हैं वो ऊना ग्रामीण मंचर पुलिस स्टेशन का जो केस है मकोका का 2021 का, उसमें फरार है। उसके आधार पे हमारे जो ऊना ग्रामीण एसपी श्री अभिनव देशमुख, उन्होंने इमीडिएटली जो है काम करना शुरू किया, क्योंकि संतोष का जो सर्च है वो ऑलरेडी चल रहा था हमारे यहाँ, परंतु जो सिदेश कांबले जो कि महाकाल का असली नाम है उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, परंतु उसका भी तकरीबन 6-7 घंटे में 8 घंटे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन वर्कआउट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ा और उसके बाद उसका पुलिस रिमांड लिया गया और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिला उसके आधार पे हमने 2-3 जो टीम थे वो बनाए और जहाँ जहाँ का इन्फॉर्मेशन उसने दिया उसके आधार पे हमने अपनी टीम्स वहाँ भेजी, जिसमें से एक टीम जो है गुजरात भेजी गई। 7-8 दिन से हमारी टीम गुजरात में इनका सर्च कर रही थी, राजस्थान में हमारी टीम गई, दिल्ली में हमारी टीम गई और आखिरकार जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था हमारे पास, जो हमारे यहाँ बैकएंड टीम था वो काम कर रहा था, जो फील्ड में हमारी टीम थी वो काम कर रही थी, तो हमारे को 2 लोग, संतोष यादव और नवनाथ सूर्यवंशी, ये गुजरात में मिले और इनको अब यहाँ लाया गया है। आज रात को ही इनका पुलिस रिमांड लिया हमने और 20 तक इनका हमारे पास पुलिस रिमांड है। अभी इनका फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, वो होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका नाम पंजाब का जो मूसेवाला मर्डर है उसमें फिगर हुआ है, आ रहा है, उससे इनके क्या लिंक हैं, कैसे लिंक इस्टेब्लिश हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। जैसे जैसे इंटरोगेशन होगा, जैसे जैसे हमें पता चलेगा, उसके आधार पे जो अगली कार्यवाही है वो की जाएगी और उस मर्डर से भी इनका क्या लिंक है या नहीं है या किस तरह का लिंक है उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में आया उसके आधार पे जो कार्यवाही शुरू हुई, हमें ये भी लगा कि अब पंजाब और दिल्ली जो इस केस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे और प्रोबेबली वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन थी जो मीडिया में आई थी, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने भी हमारी सहायता की, मदद की, हमने भी उनकी मदद की कुछ कामों में, एक म्यूचुअल जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कोलैबोरेशन वो था वो सब किया गया और इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर से जो इन्वेस्टिगेशन था बेसिकली वो हमारे यहाँ हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग थे तो हमें ही उनको ढूंढना था, जरूरी था उनको ढूंढना, पहले भी हम उनको ढूंढ रहे थे। उसके आधार पे जो सारा हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसका जो यश, उसकी जो सफलता है, वो हमारी जो टीम मेरे पीछे भी खड़ी है, हमारे एसपी हैं श्री अभिनव देशमुख, इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इन्होंने वेरी एफिशिएंटली बहुत ही कुशलता से जो इन्फॉर्मेशन है उस पर काम किया और ये अभी 3 लोग हैं इनको हमने पकड़ा हुआ है और आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगा। जैसे जैसे कोई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे हम। ऑपरेशनल डिटेल जो है आज हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, कारण कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर हमें मालूम है कि आप में भी काफ़ी क्यूरियोसिटी है इस केस को लेके, इसलिए हमने सोचा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपको जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हमने साझा की है। आगे भी जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, जहाँ हम झूठ महसूस करेंगे
कि मीडिया को इसमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो वो हम देंगे आप। थैंक यू सर। ये पूछने वाला गुजरात कैसे पहुंचा, गुजरात पहुंचने का रूट क्या था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नेपाल की तरफ गया शायद, नेपाल भाग कौन कौन संतोष। नहीं अभी देखिए हमें टाइम दीजिए इन्वेस्टिगेट करने का, अभी तो 12 घंटे भी नहीं हुए हैं उसका रिमांड लिए हुए। सर उसने वाला ये इनका रोल सस्पेक्टेड है क्या किलों का? देखिए मीडिया में जो आया था उसमें तो यही आया था, तो हम भी उसमें हमें भी फिर थोड़ी चिंता तो होना लाजमी है कि हमारे यहाँ का जो गैंग है उनका क्या रोल है। पंजाब पोलिस कॉन्टैक्ट के महाकाल बरेस कस्टडी मध्य त्यांची टीम आमच्याकडे आली होती, ते त्यांना इंटरोगेट करून गेलेले आहे। दिल्ली पोलिसांची टीम आली होती, त्यांनी त्यांना इंटरोगेट केलेलं आहे, ते परत येतील। आता हे पकडले गेल्यानंतर आणि ते सुद्धा त्यांना इंटरोगेट करतील। यू सी लॉरेन्स बिश्नोई गँग इज ए पॅन इंडिया गँग, ओके। He has his associates spread over so many states. Maharashtra is one of them. We suspect that there may be more people. We are trying to find out. अभी ऐसे डिटेल हमारे हम साझा नहीं करना चाहेंगे, रीजन बीइंग के लोगों की कुछ और भी सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि इनको पकड़ा गया और सक्सेसफुली पकड़ा गया। देखिए 25 घंटे टीम जो है वो ट्रैवल करके आई है रात को नॉन स्टॉप, समझ रहे आप मेरी बात। उस वक्त उनको सेफली यहाँ लाना प्रायोरिटी थी, इंटरोगेशन गाड़ी में करना प्रायोरिटी नहीं थी। रिमांड लिया गया है, आगे इंटरोगेशन अभी सस्टेन्ड होगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे।